तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग। जी हाँ, आज की जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है फॉर्मेटिंग के ऊपर कि हाउ कैन फॉर्मेट योर डेटा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग वगैरह तो मोस्टली आपको आती थी, कॉपी पेस्ट वगैरह करना, जी या हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो होता है जनरली सबको आता है, तो इसको पढ़ा के मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं जा रहा हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कि फॉर्मेट विथ एनी कंडीशंस, राइट। तो मैं एक डेटा ओपन करता हूं। देखिए, नॉर्मल, जैसे कि आपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आपने क्या किया, वैल्यू को सिलेक्ट किया और आपने फॉर्मेट कर दिया। तो फॉर्मेटिंग को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी जो सिलेक्टेड वैल्यू है, जहां पे फॉर्मेट हुई है, कलर हुआ है, उसमें क्या टाइप है। लेकिन मुझे ये देखना है कि भाई पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट करना है। मैं चाहता हूं जो ग्रेटर देन 50 है वही कलर्ड हो। अब हम कलर्ड करेंगे क्यों? बेसिकली जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होगा जिसको आप चाहेंगे अपने हिसाब से शो करना। जैसे होता है ना, आप बुक वगैरह आप पढ़ते हैं तो बुक वगैरह में एक पर्टिकुलर एक ऑप्शन होता है, एक पर्टिकुलर ऑप्शन होता है जिसमें एक कुछ कुछ चीजें बोल्ड होती है, या फिर आप लोग हाइलाइटर से कुछ चीजों को हाइलाइट करते हैं। क्यों? ताकि इन फ्यूचर में जब आप बुक पलटो तो वो पेज पे सबसे पहले उसी पैराग्राफ या उसी लाइन या उसी वर्ड पे आपका नजर जाए। उसी तरह से अगर आप कोई रिपोर्ट बनाते हो या कोई डेटा भेजते हो, तो आप चाहते हो कि जो चीज मैं चाहूँ कि भाई मैंने हाईलाइट कर दिया, कोई भी फाइल खोलेगा तो उसको सबसे पहले नजर इसी पे पड़ेगा, ठीक है, मतलब तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन 50 को हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 50 के सेल गुड सेल होती है, तो मुझे देखना है कौन कौन ने गुड सेल किया है। तो यहाँ पे हमने पहले आप लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने क्राइटेरिया है। इसमें हमारे सामने है हाईलाइट सेल्स रूल्स, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन को। अब इस ग्रेटर देन में आप अपना नंबर डालें, जैसे मैंने डाल दिया 50। तो जितने भी 50 से ऊपर है एक डिफॉल्ट कलर से हाईलाइट हो गया है, लेकिन मुझे कलर कोई और चाहिए। तो आप यहां ड्रॉप डाउन या विथ के बगल में जो ड्रॉप डाउन है उस पे जाएं और आप अपना जो भी कलर चाहते हैं वो कलर को सिलेक्ट कर लें, राइट। देखिए, मुझे इनके अलावा कोई और फॉर्मेटिंग चाहिए, मैं खुद की फॉर्मेटिंग डिफाइन करना चाहता हूं, तो यूज द कस्टम फॉर्मेट। तो कस्टम फॉर्मेट में आप जाते हैं, तो कस्टम फॉर्मेट में आपको यहां अपने हिसाब से आता है कि फिल, आप जो भी कलर वगैरह फिल करना चाहते हो वो फिल कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहां पे आता है बॉर्डर, अपना बॉर्डर कर सकते हो। तो जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए आप फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। तो सैयद जी, आपको फॉर्मेटिंग करना तो आता ही होगा। जी, थोड़ा बहुत आता है जी। तो हमने मान लीजिए इस पे, हमने मान लीजिए कि येलो कलर कर दिया, एंड ओके किया। अब देखिए जितने भी नंबर्स हैं वो येलो हो गया, मैं ओके कर देता हूँ। तो सिर्फ हो ही नहीं है, ये हमेशा चेक करते रहेंगे। जैसे अगर 62 है, अगर मैंने वैल्यू को यहाँ पे मान लीजिए 26 कर दिया, तो एंटर मारते ही आपका फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। तो जो नंबर क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो हाईलाइट हो जाएगा, जो फुलफिल पे चेंज होगा वो उसी समय कलर हट जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेट होता है, क्लियर है? किसी को डाउट? अदिल जी, डाउट इसमें? नहीं, अब मैं यहां से मान लो ये फॉर्मेटिंग मुझे हटाना है, तो आप क्या करेंगे? यहां नीचे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट रूल्स में, क्लियर रूल्स, और यहां पे क्लियर एंटायर शीट या सिलेक्टेड शीट। सिलेक्टेड में जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसका करेगा, एंटायर शीट में पूरी की पूरी शीट को कर देगा। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स में आता हूं मैं, यहां पे तो मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, मतलब किसी नंबर से बड़ा, किसी नंबर से छोटा, या दो नंबर के बीच की वैल्यू। जैसे मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया कि भाई 50 to 80 वाले को हाईलाइट करें, तो 50 to 80 वाला ही हाईलाइट होगा, और यहां पे हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है,
क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें आप क्या क्या डाल सकते हैं? इनमें आप डाल सकते हैं नंबर में, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में, नंबर, डेट एंड टाइम। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डेट के बाद हाईलाइट करना है आपको, तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन और अपना डेट डाल दीजिए कि मुझे इस डेट के बाद हाईलाइट करना है। जैसे मुझे हाईलाइट करना है 12 दिसंबर के बाद, तो देखिए 12 दिसंबर के बाद की डेट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गई, तो ऐसे डेट डाल सकते हैं। उसके बाद आता है इक्वल। इक्वल मतलब कि एग्जैक्ट सेल वैल्यू। जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे हाईलाइट करना है 11 को, तो मैं यहां पे इक्वल करूंगा 11, तो हाईलाइट हो जाएगा। या फिर मुझे करना है हाईलाइट, समझ लीजिए मुझे रैम जहां जहां प्रोडक्ट है उस रैम को हाईलाइट करना है, तो मैंने RA कर दिया, रैम हाईलाइट हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे हाईलाइट करना है किसी डेट को, तो डेट मतलब एग्जैक्ट, इसमें क्या होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू, इसमें आप डेट, टेक्स, नंबर, एवरीथिंग डाल सकते हो। ठीक है सर। तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू। तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू में हम टेक्स्ट नहीं डाल सकते, बट इक्वल टू में हम जो मर्जी वो डाल सकते हैं, एग्जैक्ट सेल वैल्यू के हिसाब से चलेगा। लेकिन जब एग्जैक्ट सेल वैल्यू चलते हैं तो एक छोटी सी दिक्कत भी होती है। जैसे कि आपके सामने सिटी है, और सिटी में मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहीं पे दिल्ली लिख रखा है और कहीं पे मैंने न्यू दिल्ली लिख रखा है। अब दोनों एक ही है, गवर्नमेंट के लिए दोनों अलग अलग रीजन है, लेकिन आम पब्लिक के लिए तो दोनों एक ही है, दिल्ली न्यू दिल्ली दोनों एक ही है। तो यहाँ पे अगर आप इक्वल टू करते हैं, तो आप अगर दिल्ली हाईलाइट कर देते हैं तो आपका दिल्ली हाईलाइट हो जाता है, बट आपकी न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होती है। अब अगर आप न्यू दिल्ली करते हैं तो आपका न्यू दिल्ली हाईलाइट होता है, दिल्ली हाईलाइट नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो आप यहाँ पे दो, अगर आपके पास मान लीजिए कि दो ही है, तो दो बार कंडीशनल कन्वर्टिंग में एक बार दिल्ली एक बार न्यू दिल्ली हाईलाइट कर दीजिए इक्वल टू में। लेकिन कई सारे दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है, दिल्ली रोड है, चिराग दिल्ली है, ऐसे बहुत सारे नेम है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो उस केस में हम यहां पे देंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, एक कंट्रोल एफ की तरह वर्क करता है कि अगर मैंने यहां पे दिल्ली दे दिया तो आप देखेंगे दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो गया। ठीक है सैयद जी? ये बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसमें अगर आप कुछ भी डाले, जैसे मैं अगर डाल देता हूं बी, तो जहां जो बी जिसके अंदर बी है वो आपका हाईलाइट हो जाता है। सर अगर इसमें हमें दो डेट हाईलाइट करनी है, 12 और 13 दोनों, तो वो कैसे होगी हाईलाइट? तो दो नहीं, 12 और 13 मतलब कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं करेंट डेट, मतलब कि टुडे का डेट और टुमोरो का डेट। हाँ तो आप दो बार लगा लीजिए, टुडे लगा दीजिए, इसके बाद आप इसी के ऊपर एक टुमोरो को लगा दीजिए। ठीक है। अच्छा दोनों बार करेंगे फिर? हाँ, एक सेल पे आप एक से ज्यादा कंडीशन कन्वर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो डेट ऑफरिंग के फीचर में कोई डाउट आप लोगों को? तो सर पुराना वाला नहीं हटेगा, अगर मैंने टुडे लगाया है तो टुडे का लगना चाहिए। अगर मेरे को 12 और 13 दोनों हाईलाइट करना है, तो एक टुमारो का लगाया और एक टुडे का लगाया। देखिए अगर मैं 12 और एक ही 13 सेल, नहीं, पहले से पहले समझिए, अगर आपको 12 13 फिक्स है तो आप इक्वल टू पे जाके एक 12 तारीख और एक 13 तारीख दो बार इक्वल टू पे फॉर्म लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगाना है कि करेंट डेट, टुडे का डेट एंड टुमारो का डेट, देन हम यहाँ पे डेट ऑफरिंग में जाएंगे, एक बार टुडे का लगाएंगे, एक बार टुमारो का लगाएंगे, दो बार लगाएंगे, समझे? ठीक है सर। तो टुडे टुमारो करते हैं तो सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है और चेंजेबल है। कल आज अगर 11, 12 और 13 है तो कल हो जाएगा 13 और 14। ओके सर। लेकिन आपको फिक्स रखना है, यू कैन यूज द इक्वल।
यहां पे आती है अगली वेल, आता है डुप्लीकेट वेल। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब कि एक सिलेक्टेड रेंज में अगर कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है तो आप डुप्लीकेट वैल्यू से हाईलाइट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर में मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर एंट्री करता है मोर देन वन टाइम तो हाईलाइट हो जाए, तो आप यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट वैल्यू को सिलेक्ट कर ले एंड ओके कर ले। अब मैं यहाँ पे रहता हूँ 8802579388, और यहाँ नीचे पे अगर इसी नंबर को मैंने दो बार एक बार और डाल दिया तो दोनों नंबर आपस में हाईलाइटेड हो जाएंगे। सैयद जी समझ में आया? जी जी बिल्कुल। तीन बार टाइप होगा तो डुप्लीकेट का मतलब ऐसा नहीं कि दो बार, मोर देन वन टाइम, ठीक है। अब इसमें हमने हाईलाइट सेल्स कैटेगरी तक कर लिया जिसमें आपने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में जाना। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर, सैयद जी? आपको नहीं, बिल्कुल सही है। बात करते हैं टॉप बॉटम। अब जैसे कि मुझे इसमें मान लीजिए कि टॉप 10 हाईलाइटेड करना है क्वांटिटी में या अमाउंट में, तो मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ टॉप 10 को क्लिक कर दूंगा तो टॉप 10 मेरा हाईलाइट हो जाएगा। अब टॉप 10 कहाँ हाईलाइटेड हुआ तो आप इस पे फिल्टर लगाएं यहाँ से, या कंट्रोल शिफ्ट एल इसका शॉर्टकट होता है, फिल्टर लगाएं और इस पे आप फिल्टर बाय कलर और अपनी कलर को चूज करें और देखिए आपका टॉप 10 हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के हम उसको फिल्टर भी कर सकते हैं टॉप 10। इस तरह से अगर आपको बॉटम 10 करना है तो बॉटम 10 कर सकते हो, सबसे लोएस्ट होगा उस 10वां, लोएस्ट नीचे से लोएस्ट 10 नंबर तक जाएगा। लेकिन इसमें दो फॉर्मूला और है, टॉप 10% एंड बॉटम 10%, टॉप 10% एंड बॉटम 10%, इन दोनों को भी आप हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक हमारे पास अबव एवरेज और एक दूसरा बिलो एवरेज है, लेकिन टॉप ए परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों चलता है, इसको हम आगे क्लासेस में करेंगे जब मैं आपको परसेंटाइल फॉर्मूला समझा दूंगा। अब आती है अगली बारी, आती है अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज की, ठीक है। अबव एवरेज मतलब कि यहाँ पे जो सिलेक्टेड सेल है उसकी एक एवरेज 50 है जो कि डेटा चेंज होने पे चेंज भी हो सकती है, तो अगर आपने अबव एवरेज किया तो ये क्या करेगा कि इसकी 50 से ऊपर जितने भी नंबर है उसको चेंज कर देगा। कल के डेट में अगर आपका डेटा चेंज होता है, आपका एवरेज बढ़ता है घटता है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग उसके अकॉर्डिंग दोबारा रीसेट कर देगा। और उसी तरह से यहाँ पे आपके सामने आता है बिलो एवरेज, तो 50 से नीचे। तो इसका यूज कहाँ होता है? टॉप 10 तो समझ गए कि टॉपर्स को निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एवरेज वाला जैसे आप सेल है, अगर मैं बोलूँ कि भाई किस किसने अच्छा सेल किया है तो हाउ कैन डिसाइड कि कौन सा अच्छा है? क्या कोई बेंचमार्क डिफाइन हो कि हाँ भाई टारगेट इसकी 50 थी तो 50 से ऊपर वाले अच्छे सेल है? तो अगर आपके पास कोई बेंचमार्क डिफाइन नहीं है और आपको निकालना है माने कि गुड एंड बैड या फिर ग्रोथ एंड क्या बोलते हैं उसको लॉस, तो आप जो है एवरेज के अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि जो भी सिलेक्टेड सेल्स का जो एवरेज सेल्स है, जो एवरेज से ऊपर है मतलब अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, वहां पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें उसके बाद आता है डेटा बार। डेटा बार यूज होता है जैसे मान लीजिए कि सेल्स है, अब मुझे सेल्स में पता करना है कि किसका सेल अच्छा सेल है, क्योंकि
यहाँ पे स्टेज ये पता करना है कि जो 69 है ये अबव पे है या बिलो में है, मतलब कि ये आपका टॉपर में जाता है या लोअर में आता है। तो उस केस में मैं डेटा बार से एक बार बना दूंगा, तो ये बार बना देगा कि जो जिसका बार ज्यादा है, माइनस में इधर आ गया, मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए 45 प्लस करता हूँ तो प्लस, तो जैसे बार आपका बड़ा बार है मतलब कि पूरी सेल को फिल कर रहा है, सेल बड़ा करेंगे तो अपना आपको बड़ा, ये भी बड़ा कर लेगा, तो सेल को फिल कर रहा है मतलब कि ए अबव में है, ए आपका बिलो में है, ए आपका मिडल में है, समझे, ए आपका अबव है लेकिन ए आपका और ज्यादा अबव है, ठीक है सर। 90 ये सबसे ज्यादा दिख रहा होगा, इसने कलर भी इसके बैकग्राउंड में दे दिया है, मतलब कि अच्छा है, मतलब इसको अलग सेल पे मैं बताऊं आपको, तो यहां पे क्या है, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैंने बार क्रिएट किया, तो जैसे जैसे नंबर्स हमारे बढ़ेंगे हमारा बार बढ़ेगा। इसमें कलर स्केल भी होता है कि आपने कलर दे दिया तो आपका लोअर टू हायर कलर से इंडिकेट करता है, रेड टू ग्रीन, या फिर जो भी और भी वो सारे कलर है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप एग्जैक्ट स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं तो आइकन है, इसमें आपको सिंपल सा लोअर मिडल एंड अपर अपने आप दिख जा रहा है। लेकिन एक चीज और कर सकते, जैसे यहाँ पे क्वार्टर वन है और यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन में मान लीजिए यहाँ पे 85 सेल है, क्वार्टर टू में 67 सेल है, अब मुझे इन दोनों के ऊपर लगा देता हूं, तो देखिए अबव आ गया, ए बिलो आ गया, और जैसे ए चेंज होंगे अपने आप को स्वेप कर लेगा। तो डैशबोर्ड वगैरह पे इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमने अभी सीखा हाईलाइट रेशियोस, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर स्केल्स एंड आइकन से। देखिए देख रहे होंगे कि हर किसी में मोर रूल्स है, जो बाहर आपने अभी सिखाया वो क्या है, वो है मोस्ट यूज्ड कमांड, जो ज्यादातर यूज होने वाले कमांड है उसके बारे में हमने आपके आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। देखिए इसके अलावा और भी कमांड है जो कि हम आपको कल की क्लास में डिस्कस